यहाँ पे कोई भी मास्क लगाए नजर नहीं आ रहा है। ओमिक्रॉन की नई बीमारी आई है, लोग बीमारी छोड़े ना तो मोदी के हाथ में वो बीमारी चालू कर अच्छा वो बंद कर दे जी। ये तो मोदी की बीमारियाँ चल रही है जी, जैसे चाहता है वैसे जनता को बना रहे दोनों मिलकर। अच्छा बीमारी कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। अच्छा समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त परिवर्तन रैली का आयोजन किया गया। इस संयुक्त परिवर्तन रैली को सफल बनाने के लिए दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं व नेताओं ने भी जी जान बल ही लगा दी हो, लेकिन रैली के अंदर राष्ट्रीय लोकदल के समर्थकों से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के समर्थक नजर आए। शायद यही कारण था कि दोनों पार्टियों के नेताओं ने भीड़ में अपने समर्थकों को अपनी अपनी पार्टियों की टोपी पहनाई, लेकिन रैली में राष्ट्रीय लोकदल की टोपियों के बजाय समाजवादी पार्टी की टोपियाँ ज़्यादा नजर आई। लेकिन इस रैली के दौरान कोविड गाइडलाइन की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पार्टी के कुछ समर्थकों का कहना है कि ये कोरोना बीमारी मोदी के हाथ में है, कब चालू कर दें और कब वो बंद कर दें। मोदी देश की जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ रैली में पहुंचो, लगभग कितनी भीड़ पहुंचोगी? तादाद का अंदाजा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जगह नहीं थी और आप देख रहे हैं। नहीं, नहीं, अच्छा मैम, जैसे ओमिक्रॉन की नई बीमारी आ रही है, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो क्या ये मोदी जी और अमित शाह को नहीं होता कुछ भी ओमिक्रॉन वगैरह जी? बंगाल में जब पूरे देश में कोरोना की लहर चल रही थी, अमित शाह बिना मास्क के घूमते हैं, मोदी जी बिना मास्क के घूमते हैं, उन्होंने कौन सी वैक्सीन लगवा रखी है जी? तो ऐसा कोई डर नहीं है इनको, कोई डर नहीं है, पर आम जनता को कोरोना होगा बताते हैं ना ये लोग सबको, मास्क लगाइए, दो गज की दूरी, पश्चिम बंगाल में हाथ मिलाते रहे, अमित शाह जनसंपर्क करते रहे, फिर भी चुनाव हार गई अलग बात है, अब भी हारेंगे ये अलग बात है। मैम जैसे यहाँ पे कितनी भीड़ आई होगी लगभग? यहाँ पे कम से कम 1,00,000 से ऊपर। अच्छा मैम, यहाँ पे कोई भी मास्क लगाए नजर नहीं आ रहा है, ओमिक्रॉन की नई बीमारी आई है, लोग बीमारी छोड़े ना तो मोदी के हाथ में वो बीमारी चालू कर दे। अच्छा वो बंद कर दे जी, ये तो मोदी की बीमारियाँ चल रही है जी, जैसे चाहता है वैसे जनता को बना रहे दोनों मिलकर। अच्छा बीमारी कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। अच्छा ना लोगों के अंदर कोई डर है इसका? उसमें वो बीमारी का डर दिखा के सबकी किडनियाँ निकलवा के अब विदेश भेज दें, वो विदेश में जाके बसेगा, वो जानता है यहाँ मेरे लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं, तो ये दोनों को दोनों भगवान। अब की बार क्या लग रहा है, अब की बार क्या लग रहा है चुनाव का? बिल्कुल पूरी तरीके से सलाह ये कह रहा है कि जितनी जल्दी हो मोदी को नष्ट करना।